और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में करीब 900 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सभी बड़े शेयर में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान आ चुका है। आज भी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में करीब 900 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सभी बड़े शहरों में गिरावट दर्ज की गई है। जितने भी बड़े शहर हैं जिसपे भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था, भारी गिरावट और ज्यादा नुकसान। यहां पर निफ्टी भी 310 अंक लुढ़क चुका है। और सीनियर एडिटर ईटी नाउ के अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ज्यादा जानकारी देंगे। अजय शर्मा जी, शेयर बाजार में जो भारी गिरावट दर्ज की गई है, इससे कितना नुकसान और किस किस को नुकसान हुआ? देखिए जी हाँ, आज एशियाई बाजारों के तर्ज पे भारतीय बाजार में भी सुबह काफी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। और पहले 1.5-2 घंटे के कारोबार में हमने देखा कि काफी बड़े लेवल पे 5-6% तक की गिरावट लार्ज कैप्स में और मिड कैप में तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसका ट्रिगर ये था कि यूएस मार्केट्स ने के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने ओवरनाइट ये बात साफ कर दी है कि वहां पे ब्याज दर बढ़नी पड़ेंगी। वहां की इकोनॉमी काफी ओवरहीट हो रही है और उसको कूल डाउन करने के लिए उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। और ब्याज दरें तो बढ़ने से होगा ये कि पूरे विश्व में जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है, जो शेयर बाजार को और दूसरे एसेट क्लासेस को बढ़ा रही थी, वो थोड़ी कम होगी और बाजार इससे नर्वस होके पूरे दुनिया में हमने देखे हैं कि सारे शेयर बाजार नीचे आ रहे हैं और भारतीय बाजार इससे अलग नहीं है। थोड़ी एफआईआई की तरफ से बिकवाली भी चल रही है। लास्ट 8-10 दिन से 2-4 हजार करोड़ की डेली बिकवाली आ रही है, उसका भी प्रेशर देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में। और अब ट्रेडर्स जो है वो साइड पर बैठ गए हैं और देख रहे हैं कि जो बड़ा ट्रिगर होगा इंडियन मार्केट्स और इकोनॉमी के लिए वो है यूनियन बजट, और तब तक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट और थोड़ा नरमी बाजार में रहने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर ये गिरावट दर्ज की गई है, क्या आप बता सकते हैं उन शहरों के नाम? जी अगर आप देखें तो इस समय टाइटन, एचसीएल, टेक, विप्रो जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं और देश की बड़ी ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी है, वहां 5-6% की आपको बिकवाली दिख रही है। तो आईटी शेयरों में कुछ बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, वहां में भी आपको काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री जो दुनिया देश की सबसे बड़ी कंपनी है, वहां भी 2% का कट देखने को मिल रहा है। और कुल मिला के देखा जाए तो एडवांस डिक्लाइन ज्यादा गिरने वाले शेयरों का नंबर है, आज बढ़ने वाले शेयर बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा जी आपका इस खास जानकारी के लिए।